हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का नया क्रैश कोर्स 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 19 अक्टूबर से आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। गाइस, अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 19 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ढाई महीने है हमारे पास, ढाई महीने में गाइस लगभग मान के चलिए कि आपको पूरा आरआरबी एनटीपीसी एक बार फिर से पूरी तरह से रिवाइव किया जा सकता है। बैच में बहुत ही कम फीस है, 540 रुपीज़ देकर के आप ये पूरा बैच ले सकते हैं। इसके लिए कोड इस करना है Y242 कोड इस करिए, 540 रुपये में आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स परचेज करिए। 19 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। चले गाइस, अभी राइट नाउ जो एसएससी पे जो ऑफर चल रहा है, 62% का ऑफर चल रहा है गाइस। यानी कोई सा भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो 62% का ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको Y242 कोड इस करना है, Y242 आपको कोड इस करना है। ये कोड का यूज करके आप 62% का डिस्काउंट एसएससी अड्डा या बैंकर्स अड्डा किसी पर भी आप 62% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चाहे टेस्ट सीरीज लें, चाहे लाइव बैचेस लें, या वीडियो कोर्स लें, या कोई भी बुक्स लें, आपको 62% का ऑफर दिया जा रहा है। और आज का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आप बहुत ही निरंतर आप प्रयास भी कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपकी बात करें तो यहां पर ध्यान रखें, जब क्वेश्चन का आप आंसर दें तो आंसर देने के दौरान गाइस, जब आप आंसर दिया करें तो सटीक आंसर दिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत तेजी से अच्छी हो जाएगी और एक्यूरेसी में सुधार आएगा। तो एक्यूरेसी को अगर सुधार करना है तो गाइस, जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तुक्का मारने की कोशिश किया करो कि हाँ, ये आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे आपसे अपेक्षा होती है कि आप कम से कम, अगर मैं 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो 30 में कम से कम 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए। हमेशा प्रयास किया कीजिए कि कम से कम 25 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आपके बनने ही चाहिए। चले तो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य प्रकाश, गणेश देव, सी राजकुमार और जय राम नरेश। जवाब देगा इस, क्या उत्तर होगा आपका, बताएगा इसका उत्तर है। इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य प्रकाश, गणेश देव, सी राजकुमार और जयराम नरेश। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर है। चलिए, आलोक पांडे का सी आ रहा है, कुमार सार्थक का प्रणाम और रॉ एजेंट का डे, दीपक यादव का डी। चलिए गाइस, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, जयराम नरेश इज द राइट आंसर। यानी इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर पुस्तक लेखक जयराम नरेश हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, धनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, महानदी और कृष्णा। आपको यहां पर बताना है मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है, ये बताइए। मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है, ये बताइए। साथ साथ में आपको ये बताना है मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी बताइए। और साथ साथ में आपको बताना है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी बताएं। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी बताएं। तीनों के आंसर जरूर बताएं। मंजरा किसकी सहायक नदी है, मूसी किसकी सहायक नदी है और तेल नदी किसकी सहायक नदी है, जवाब दें। धनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, बराक, मानस, तिस्ता, किमांग, ये सारी की सारी नदियां ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। और यहाँ पे मंजरा नदी की बात करें तो मंजरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी नदी की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी है। और अगर तेल की बात करें तो ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। इनको भी याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। निम्नलिखित में से किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? जवाब दीजिएगा इस, क्या उत्तर होगा। आपको यह भी बताना है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं। साथ साथ में आपको यह भी बताना है
वृद्ध गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये भी बताएं। दो चीजें और बताएं गाइस साथ में, रेवा के नाम से जाना जाता है, जवाब दें। चलिए बानवे का ये आ रहा है, जबकि 93 चल रहा है। भारती कुमारी किरण जवाब दें क्या उत्तर है। रॉय जैन का ए, अंजलि यादव का ए, रॉय जैन का ए, किरण कुमारी का बी, सीएम का आंसर ए आ रहा है, अंजलि यादव का ए आ रहा है और प्रेरणा का आंसर बी आ रहा है, जयरा बानू का ए आ रहा है, नितिन कुमार का ए आ रहा है और अंजलि यादव का गोदावरी आ रहा है। चले गाइस बिल्कुल सही, अगर रेवा की बात करें तो बिल्कुल सही, नर्मदा इज द राइट आंसर। यानी कि बात करें तो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी को एज ए रेवा के नाम से जाना जाता है। रेवा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी मुलताई से निकलती है। गोदावरी नदी त्रिंबक के पठार से निकलती है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कौन? कृष्णा। और वृद्ध गंगा और दक्षिण की लंबी नदी की बात करें तो गाइस इसका आंसर सीधे सीधे होगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। तो आपको यह भी बताना है कि सबसे छोटा दिन कहां होता है, छोटा दिन भी बताइए, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है, छोटा दिन होता है ये भी बताइए। बताएगा इसका उत्तर होगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। जवाब दे क्या उत्तर होगा। प्रदीप कुमार राधे राधे। दीपक यादव का गोदावरी आ रहा है, राजा मिमरौत का 94 का बी आ रहा है। और गाय जवाब दीजिए क्या उत्तर है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। जयसिंह का ए, रेणु कुमारी का ए, राव एजेंट का बी, ज्योति कुशवाहा का बी और आकृति सिंह का सी, प्रदीप कुमार का बी, पूजा कुमारी का वीनस और नितिन कुमार का बी, दीपक यादव का सी और नवीन चौधरी का मार्स। चले गए, जबकि आंसर की बात करें बिल्कुल सही, वीनस इज द राइट आंसर, शुक्र इज द राइट आंसर। अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें तो शुक्र अपने एक्सिस पर 243 दिन में रोटेट करता है, इसका जो रोटेशन है 243 दिन है, अतः सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें वीनस में होता है, जबकि सबसे कम रोटेशन आपका जुपिटर का है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर मात्र अप्रॉक्स 9 घंटे में 9 आवर्स पर रोटेट करता है, इसका रोटेशन टाइम 9 आवर्स है, इस कारण से सबसे छोटा दिन जुपिटर पे होगा और सबसे लंबा दिन वीनस पे होगा। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, समुद्र का खारापन मापा जाता है आइसोहेलाइन, आइसोसिस्मल लाइन, सैलिनोनेक्टर और इनमें से कोई नहीं। जवाब देगा इसका उत्तर होगा, आइसोहेलाइन, आइसोसिस्मल लाइन और सैलिनोनेक्टर और इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका उत्तर होगा। आपको यह भी बताना है कि समुद्र का खारापन का मापन की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, यूनिट बतानी है आपको, समुद्र के खारेपन का यूनिट बताना है, इकाई भी आपको साथ बतानी है, समुद्र का खारापन मापा जाता है। बताइएगा इसका उत्तर होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा, फटाफट जल्दी जवाब दीजिएगा। टेकनाव का 95 का ए, राजा मिमरौत का सी, किरण कुमारी का जवाब नहीं आया, ऋषिकेश कुमार का बी, अंजलि यादव का सी, ज्योति शर्मा का सी, जयरा बानू का ए और पूजा कुमारी का डी, दीपक यादव का सी और मुन्नी कुमारी का डी आ रहा है। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, सैलिनोनेक्टर इज द राइट आंसर। समुद्र का खारापन सैलिनोनेक्टर इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है और ये ग्राम थाउजेंड परसेंटेज में मापा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, समुद्र का खारापन ग्राम थाउजेंड परसेंटेज में मापा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने कहा इस समुन्दर में 35% नमक है, अगर मैं ये कहूं कि समुन्दर में 35% नमक है
तो इसका मतलब है 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होगा। आई होप क्लियर हो गया हो और अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। चले गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था? निम्नलिखित में से किस काल में होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आपको साथ साथ में यह भी बताना है कि किस काल में सबसे पहले हड्डी के औजार, किस काल में सबसे पहले हड्डी के औजार का प्रयोग किया गया था, हड्डी के औजार का प्रयोग किया गया था, यह भी आपको बताना है। बताएगा इसका क्या उत्तर होगा। किरण कुमारी स्वागत है आपका, किरण कुमारी स्वागत है आपका। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आपका। बताएगा इसका उत्तर है, निम्नलिखित में किस काल में होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था? चले सीएम का आंसर 96 का सी, अंजलि यादव का सी, दीपक यादव का सी, राजा निमरोध का सी, शोभा चौधरी का सी और रघु सिंह का बी आ रहा है और अरुण कुशवाहा का बी आ रहा है, दीपक यादव का सी आ रहा है और अजय मेहरा का सी आ रहा है। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अपर पैलियोलिथिक इज द राइट आंसर, यानी उच्च पुरापाषाण काल में सबसे पहले होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था। और इसी गाइस उच्च पुरापाषाण काल में ही, उच्च पुरापाषाण काल में ही सबसे पहले हड्डी के औजारों का प्रयोग शुरू किया गया था। हड्डी के औजारों का प्रयोग इसी उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज में, और यही टाइम पीरियड है जब होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ था। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, साथ साथ में फेसबुक पर, जहां जहां घुमा सकते हो भाई लाइक और शेयर करते चलो, करते चलो लाइक और शेयर करते चलो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुराने स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सोच समझ के जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पुराने स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, बुरजोहम, मांडा, आलमगीरपुर। बताएगा इसका उत्तर होगा। आपको यह भी बताना है कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत कहां से हुई थी? बताएगा इस कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, यह भी आपको बताना है। बताएगा इसका उत्तर होगा। 797 का जवाब दें और टेकनाओ का 997 का ए, प्रिंस वर्मा का ए, प्रिंस वर्मा का ए, रूही सैनी, रूही सैनी ने कर दिया, ठीक है। और साकेत का आंसर डी आ रहा है, प्रिंस वर्मा का ए आ रहा है, अंजलि यादव का बी आ रहा है और राजा निमरोध का 97 का सी, जय सिंह का ए आ रहा है। चलिए गाइस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। गाइस जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में बुरजोहम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पंजाब में एक और क्षेत्र है पंजाब में रोपड़, यहां से भी मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जबकि कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेहरगढ़ से हुई थी, मेहरगढ़ से कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी और मेहरगढ़ राइट नाउ बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ राइट नाउ बलूचिस्तान में है। आई होप क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शुरू किया गया प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, भारत में शुरू किया गया प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, उत्तंद, मार्तंड, हिंदो, हिंदुस्तान और प्रबुद्ध भारत। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। भारत में शुरू किया गया प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, उदंत, मार्तंड, हिंदो, हिंदुस्तान और प्रबुद्ध भारत। बताएगा इसका उत्तर होगा, प्रयास करें गाइस। चलिए टेक नाव का आ रहा है, टेक नाव का 98 का बी, टेक नाव का 98 का बी, टेक नाव का 98 का बी और गाइस अरुण कुशवाहा का ए, प्रदीप कुमार का ए, नीलांश कामले का बी, सोनू कुमार का बी, नवीन चौधरी का सी, जय सिंह का ए और संध्या रानी का सी आ रहा है, अंजलि यादव का ए आ रहा है, दीपक यादव का ए आ रहा है और ज्योति शर्मा का ए आ रहा है और दीपक यादव का एट द रेट। चलिए और प्रिया यादव, प्रिया यादव, प्रिया यादव का सी आ रहा है। चलिए गाइस ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही,
ए इज द राइट आंसर। भारत में शुरू किया गया पहला हिंदी समाचार पत्र उत्तंद मार्तंड को देखा जाता है। इस अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट जाइए अच्छी तरह से। चलेगा इस अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का कार्यक्रम देखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का कार्यक्रम देखा है? साथ साथ में आपको यह भी बताना है, भारत का तोता, भारत का तोता किसे कहते हैं? तोता, भारत का तोता किसे कहते हैं ये बताइए। साथ साथ में बताइए, सितार, सितार और तबला का आविष्कारक बताइए, बताएगा इसका उत्तर है। भारत का तोता किसे कहते हैं ये भी बताइए, साथ साथ में सितार और तबला का आविष्कारक कौन था ये भी बताएगा इसका उत्तर है, बताएगा इसका उत्तर है। 799 का अंजलि आरव का डी और रविंद्र सिंह का डी आ रहा है, कमलजीत सिंह का, अमीर खुसरो और प्रिंस वर्मा का डी, ज्योति शर्मा का डी, आलोक पांडे का डी और सुमित वर्मा का डी, प्रदीप कुमार का डी और आयुष दीक्षित का आंसर बी। आयुष दीक्षित बेटा आपने गलत कर दिया, आयुष दीक्षित आपने बेटा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो, प्रयास करते रहो मेरे साथ, सफलता जरूर मिलेगी। चलेगा इस डी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। और ये तीनों के तीनों चीजें अमीर खुसरो के लिए ही कही गई हैं, यानी कि भारत का तोता अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो के द्वारा ही सितार और तबला का आविष्कार भी किया गया था। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? आपको यह भी बताना है, समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद हमने किस देश से लिया है, किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से हमने समाजवाद शब्द को लिया है यह भी आपको बताना है, बताएगा इसका उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। चले गाइस, नवीन चौधरी का 42, राहुल का आंसर डी आ रहा है और अंजलि यादव ने जवाब नहीं दिया है, सुजाता, सुजाता पात्रा का ए आ रहा है, मुकेश कुमार का ए आ रहा है, अरुण कुशवाहा का 42 आ रहा है। तो अरुण कुशवाहा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमने अपनी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा था। जबकि समाजवाद की बात करें तो यूएसएसआर, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिकन से हमने समाजवाद का कंसेप्ट अपने संविधान में अडॉप्ट किया था। समाजवादी राष्ट्र उस राष्ट्र को कहते हैं जहां के फिजिकल रिसोर्सेज पर इंडिविजुअल राइट ना हो करके पूरे समुदाय का नियंत्रण हो, उसे समाजवादी राष्ट्र कहा जाता है। यानी जहां पे पब्लिक सेक्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए उस कंट्री को समाजवादी राष्ट्र कहा जाता है। चलिए गाइस आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 801। भारतीय संविधान में राज्यपाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताएगा इसका उत्तर है। साथ साथ में आपको बताना है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार कहां से लिया गया यह भी बताएं, अधिकार कहां से लिया गया ये बताएं, गणतंत्र व्यवस्था कहां से लिया गया ये भी बताएं, और साथ साथ में संसद कहां से लिया गया ये भी बताएं, संसद कहां से लिया गया ये भी बताएं। तीनों चीजें आपको साथ में बतानी है। कृष्ण कांत पांडे, कृष्ण कांत पांडे, कृष्ण कांत पांडे, पहले जवाब दीजिए क्या उत्तर है, 801 का जवाब दीजिए। रॉ एजेंट का ए आ रहा है, चलिए, और ललिता का आंसर बी आ रहा है, नीलांश कामले का ए आ रहा है, ज्योति कुशवाहा का ए आ रहा है, रूही सैनी का ए आ रहा है, मनोज कुमार का ए आ रहा है, नीतीश का आंसर बी आ रहा है, ज्योति शर्मा का ए आ रहा है और राजा मिमरौत का फ्रांस आ रहा है और मुकेश कुमार का बी आ रहा है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। जबकि मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात करें तो ये यूएसए से लिया गया है। अगर गणतंत्र की बात करें, रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। और अगर हम संसद की बात करें
तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आई होप क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य का संविधान किसे कहते हैं, राज्य का संविधान किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 52 से 152, अनुच्छेद 324 से 395, अनुच्छेद 152 से 225। जवाब दें क्या उत्तर है। राज्य का संविधान किसे कहा जाता है, 152 से 237, 52 से 152, 324 से 395 और 152 से 225। जवाब दें क्या उत्तर होगा आपका, प्रयास करने गाइस क्या उत्तर होगा। गाइस अगर आपने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक जरूर कर दीजिए। गाइस अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर भी जरूर कर दीजिए। गाइस जिस बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जो शेयर करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैंने शेयर किया है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा नाम लीजिए तो मैं नाम लेता हूं, तो मैं भी आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप भी शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर शेयर करते चलें और ग्रुप में जरूर बताएं कि यस मेरे द्वारा शेयर किया गया। कम से कम बच्चे का सेटिस्फेक्शन तो पता चले कि यस ये बच्चा शेयर कर रहा है। बनाएगा इसका उत्तर है, काजल कुमारी का सी आ रहा है, नीतीश का आंसर सी आ रहा है, ज्योति कुशवाहा का ये आ रहा है, रूही सैनी का ये आ रहा है और शोभा चौधरी का ये आ रहा है, अंजलि आरव का ये आ रहा है। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 को राज्य का संविधान कहा जाता है। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चले गाइस, अगला क्वेश्चन, राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है? राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है? यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको तो रटा दिया गया है। 359, 361, 356 और साथ साथ में 365। बताएं, प्रयास करें, अटेम्प्ट लें, कोशिश करें गाइस, ताकत लगाइए, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर होगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है। राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता? चलिए गाइस, अनूप मिश्रा ने शेयर कर दिया, अनूप मिश्रा ने शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप मिश्रा जी की, आपने शेयर किया। चले गाइस, 803 का जवाब दीजिएगा इसका उत्तर है। चलिए, बी आ रहा है, अंजलि यादव का बी, दीपक यादव का सी, मुकेश का आंसर बी आ रहा है और सीएम का आंसर भी बी आ रहा है, रोहित वर्मा का 361 और पूजा कुमारी का बी आ रहा है। तो बिल्कुल सही पूजा जी, बिल्कुल सही, 361 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 361 के तहत राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, 804 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को रट कर जाइए हमेशा। सामाजिक विषमता का मापन किया जाता है, फिलिप्स वक्र, गिनी गुणांक, हेराल्ड वक्र, इनमें से कोई नहीं। बताएं, प्रयास करें, कोशिश करें, 804 का जो जवाब देगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट गिफ्ट राइट नाउ। जवाब देगा क्या उत्तर है, सामाजिक विषमता का मापन किया जाता है, सामाजिक विषमता का मापन किया जाता है, फिलिप्स वक्र, गिनी गुणांक, हेराल्ड वक्र, इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका उत्तर है, अंजलि यादव का भी, जुबेर का आंसर भी, ज्योति कुशवाहा ने भी शेयर कर दिया है, हेमंत का आंसर गिनी कॉफिशेंट, पूजा कुमारी का गिनी कॉफिशेंट और काजल कुमारी का बी आ रहा है, आलोक पांडे का सी आ रहा है, मनोज कुमार का बी आ रहा है, आरजू तोमर का बी आ रहा है, प्रिंस वर्मा का बी आ रहा है और अंजलि यादव का बी आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गिनी गुणांक इज द राइट आंसर, गिनी गुणांक इज द राइट आंसर। सामाजिक विषमता का मापन गिनी गुणांक यानी गिनी कॉफिशियंट के द्वारा किया जाता है। इसको रट जाइए, कभी भी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? सोना एवं चांदी, पेट्रोलियम एवं शराब,
उर्वरक एंड इलेक्ट्रॉनिक सामान, बताएगा इसका उत्तर है, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है, सोना एवं चांदी, पेट्रोलियम एवं शराब, उर्वरक और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान। आपको बताना है जीएसटी कब लागू किया गया, कब लागू किया गया भारत में, यह बताइए। दूसरा बताइए किस मॉडल से, किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है जीएसटी, ये बताइए। पहला देश बताइए, पहला देश कौन था जीएसटी को लागू करने वाला, बताएगा इसका उत्तर है। तीन चीजें मैंने आपसे और पूछी हैं कि जीएसटी सबसे पहले कब लागू किया गया भारत में, किस मॉडल पर आधारित है ये बताएं, और पहला देश कौन सा है ये भी बताएं, बताएगा इसका उत्तर है। चलेगा प्रिंस वर्मा का बी आ रहा है, अबुम्बा का आंसर सी आ रहा है, शिवांगी सिंह का बी आ रहा है, सीएम का आंसर बी आ रहा है, पूजा कुमारी का सी आ रहा है, सूरज विश्वास का बी आ रहा है, मुकेश कुमार का सी आ रहा है, और गाइस अजय मेहरा का सी आ रहा है, अनिल कुमार यादव का सी आ रहा है, और अनुभव ओझा का सी आ रहा है, और शिवांश सिंह का 1 जुलाई 2017, ठीक है गाइस, बिल्कुल सही। तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। जीएसटी में शामिल नहीं किया गया शराब और पेट्रोलियम, जीएसटी में शामिल नहीं है। कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। किस मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। पहला देश कौन था, फ्रांस था। पहला देश कौन, फ्रांस, 1954 में फ्रांस पहला देश था जिसने अपने यहां पर जीएसटी लागू की थी। आई होप क्लियर हो गया हो। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या बात है आज तो आप लोगों ने दिल खुश कर दिया है, जवाब बिल्कुल सटीक दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बाजार में किस प्रारूप में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जवाब दें। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, जवाब देगा इसका उत्तर होगा। बाजार में किस प्रारूप में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, विच फॉर्मेट हैज मोर बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली और नन ऑफ द अबव, जवाब दें, जवाब दें, प्रयास करें गाइस। अगर आप में से किसी ऐसे बच्चे ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ये अंगूठा चाहिए, ये अंगूठा चाहिए, और साथ साथ में अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर कर दीजिए, और शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस मैंने शेयर किया है। चलिए गाइस बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द राइट आंसर, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बायर्स और सेलर अधिक होते हैं, और इस मार्केट में हमेशा होमोजीनस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया हो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जवाब दे दीजिए क्या उत्तर है। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। साथ में आपको बताना है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, बताएं। कथकली किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये भी बताएं। चार चीज और बताइए इससे रिलेटेड, चार चीज और बताइए, भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, ये भी साथ साथ बताते चलिए। चले भाई सीएम का आंसर ये आ रहा है, प्रदीप कुमार का ये आ रहा है, पूजा कुमारी का यूपी आ रहा है, रॉय एजेंट का ये आ रहा है, आदित्य गुप्ता का ये आ रहा है, मनोज कुमार का ये आ रहा है, क्या बात है सब लोग होशियार हो गए, उत्तर प्रदेश द राइट आंसर। भारतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली की बात करें तो ये केरल से संबंधित है, केरल, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल से संबंधित है, क्या बात है जबरदस्त है। साथ साथ में याद करते चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, कंफर्म। चले गाइस, और निशांत चतुर्वेदी जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन, रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, बताएं।
फटाफट बताएगा इसका उत्तर है रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है? मिस्र, लीबिया, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, बताएगा इसका उत्तर है रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है? ये भी जवाब दीजिए, ये भी जवाब दीजिए रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है, बताएगा इसका उत्तर है मिस्र, लीबिया, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, देखते हैं कौन सही जवाब देता है गाइस। 808 जवाब दें क्या उत्तर है। अरुण कुशवाहा का बी आ रहा है, गौरव कुमार का डी आ रहा है और सोनू कुमार का सी आ रहा है, जय सिंह का सी आ रहा है, छोटे लाल मीना का आंसर ए आ रहा है, छोटे लाल मीना का ए आ रहा है, आलोक पांडे का सी आ रहा है, सचिन रूपल का डी आ रहा है और सूरज विश्वास का सी आ रहा है, अंजलि यादव का सी आ रहा है, प्रदीप कुमार का डी आ रहा है। और प्रयास करिए, और प्रयास करिए क्या उत्तर है, रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है? चलिए गाइस बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। अगर रैंड मुद्रा की बात करें तो रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है, कुछ ने आंसर गलत कर दिया है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सार्क समूह में शामिल नहीं है? सार्क समूह में शामिल नहीं है, भारत, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, जवाब दे क्या उत्तर है। निम्न में से कौन सा देश सार्क समूह में शामिल नहीं है, बताएगा इसका उत्तर है, सार्क समूह में शामिल नहीं है, भारत, भूटान, म्यांमार एंड पाकिस्तान, बताएगा इसका उत्तर है। तरुण कुमार का सही था, बिल्कुल तरुण कुमार जी आपका बिल्कुल सही था, प्रिंस वर्मा का भी सही था और अनुदीप कुमार का भी आंसर सही था। चलिए प्रिया यादव जवाब दें क्या उत्तर है, प्रिया यादव बताएं, सार्क समूह में शामिल नहीं है भारत, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, अरे ये तो जवाब दे दो, सटीक जवाब दे दो मेरे दोस्तों। अंजलि यादव ने गलत कर दिया, सी इज द राइट आंसर, म्यांमार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, म्यांमार इज द राइट आंसर। सार्क समूह में टोटल 8 देश हैं, 8 देशों में म्यांमार यहां पर शामिल नहीं है, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 809 का सी इज द राइट आंसर। गाइस अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर भी करते चलें, शेयर भी करते चलें, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर और खास तौर से फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। चले गाइस अगला क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में www में चौथा w से क्या तात्पर्य है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है, वेब, वॉर्म, वर्ल्ड एंड वाइब, जवाब दे क्या उत्तर है। अंजलि यादव जवाब दे क्या उत्तर है, प्रिया यादव जवाब दें, रोहित वर्मा जवाब दें, अनिल कुमार जवाब दें, अंजलि यादव जवाब दें क्या उत्तर है, चौथे W से क्या तात्पर्य है, वेब, वॉर्म, वर्ल्ड एंड वाइब, जवाब दें क्या उत्तर है। प्रयास करें, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। राजा मिमरौत का सी, नवीन चौधरी का वेब, और गाइस दो ने दिया है, राजा मिमरौत और नवीन चौधरी ने सबसे पहले दिया है। प्रिया यादव ने जवाब तक नहीं दिया। रॉ एजेंट का बी आ रहा है, दीपक यादव का ए आ रहा है, अनिल कुमार का म्यांमार पे ये भी टिके हैं, रॉ एजेंट का 10वें का बी, दीपक यादव का ए, रेणु कुमारी का ए, सुमित वर्मा का बी, जुबैर का आंसर म्यांमार आ रहा है और रॉ एजेंट का बी आ रहा है, सुमित वर्मा का बी आ रहा है और किशोर का आंसर ए आ रहा है, दीपक यादव का वेब आ रहा है, जबकि वॉर्म इज द राइट आंसर, वॉर्म इज द राइट आंसर, चौथे डब्लू का मतलब वॉर्म है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौरव कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, वॉर्म इज द राइट आंसर। और अंजलि यादव और सीएम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सूरज विश्वास ने सही जवाब दिया है और तन्मय तो आया ही नहीं अब तक, यतेंद्र यादव ने भी जवाब सही दिया है। चले गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के स्तन वृद्धि में सहायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन वुमेन्स ब्रेस्ट एनलार्जमेंट? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
रिलैक्सिन एंड टेस्टोस्टेरोन? जवाब दें क्या उत्तर है, साइंस का क्वेश्चन गाइस। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के साइंस का क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के स्तन वृद्धि में सहायक होता है? जवाब दें गाइस क्या उत्तर है। तरुण कुमार स्वागत है आपका, तरुण कुमार स्वागत है आपका। और तरुण कुमार 811 का जवाब दो क्या उत्तर है। यतेंद्र यादव जवाब दें 811 का क्या उत्तर है। दीपक यादव का, दीपक यादव का 11 का बी, सीएम का आंसर 11 का बी, समर बहादुर का ए, गौरव कुमार का सी, अंजलि यादव का ए, अंजलि यादव का ए, अंजलि यादव का ए, कुमार राजू का बी, सचिन रूपल का सी, और समर बहादुर का ए आ रहा है, तरुण तिवारी का ए आ रहा है, जयरा बानू, जयरा बानू का आंसर बी सही है, और प्रदीप कुमार का ए गलत हो गया, जबकि बी इज द राइट आंसर, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर गाइस, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर। यानी कि अगर देखा जाए तो महिलाओं के स्तन वृद्धि में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा सहायक होता है। रट लीजिए इसको, रट लीजिए इसको, ताकि जिंदगी में कभी ये भूल ना पाए। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन एंड रिलैक्सिन। जवाब देगा इसका उत्तर है, फटाफट जवाब देगा इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है? जवाब देगा इसका उत्तर है, जवाब देगा इसका उत्तर है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन एंड रिलैक्सिन। जवाब देगा इसका उत्तर है, फटाफट जवाब देगा इसका उत्तर है, बारह का डी, अंजलि यादव का बारह का डी, अमित का आंसर सी आ रहा है, नवीन चौधरी का लैक्टोजेनिक, सीएम का आंसर 12 का ए, दीपक यादव का ए, सूरज विश्वास का ए, विक्रांत का आंसर नहीं आया, बुम्बा का आंसर ए आ रहा है, और स्मितिक आडला, स्मितिक आडला का ए आ रहा है, निशांत चतुर्वेदी का ए आ रहा है, प्रदीप का आंसर ए आ रहा है, रूही सैनी का ए आ रहा है, अभय चौरसिया का ए आ रहा है, और मनीष कुमार का ए आ रहा है। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन से गाइस स्त्रियों में, स्त्रियों में दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, 813। निम्नलिखित में से पायरिया रोग का कारण है, पायरिया रोग का कारण है, बताएं गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ पायरिया? एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका, लिशमैनिया डोनोवानी, एंट अमीबा जिंजिवेलिस और एल्जा मोडियम। जवाब दें क्या उत्तर है, 813 का जवाब दीजिए क्या आंसर है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, 813 का जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों क्या उत्तर है, 813 का जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है, 13 का सी, रविंद्र का आंसर सी आ रहा है, सीएम का आंसर सी आ रहा है, और शिवान सिंह का 13 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही, एंट अमीबा जिंजिवेलिस, एंट अमीबा जिंजिवेलिस इज द राइट आंसर, एंट अमीबा जिंजिवेलिस इज द राइट आंसर, एंट अमीबा जिंजिवेलिस इज द राइट आंसर, जो पायरिया रोग का कारण है और इसी के कारण मसूड़ों से खून आता है बाहर, जिसे पायरिया रोग कहा जाता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग समूह के लोगों को सर्वदाता एवं सर्वग्रहता कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ए पीपल आर कॉल्ड सर्वेंट्स एंड ओमनीपोटेंस? सर्वदाता एवं सर्वग्रहता कहा जाता है, रक्त समूह ओ और बी, रक्त समूह ओ और ए बी, रक्त समूह ओ एवं ए, रक्त समूह ए और ए बी, बताएगा इसका उत्तर है। सर्वदाता और सर्वग्रहता कहा जाता है, प्रयास करें, अटेम्प्ट लें, कोशिश करें, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग?
प्रयास करेगा। इसका उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है 814 का जवाब दीजिए, 814 का जवाब दीजिए, क्या उत्तर है, प्रयास करें, आपकी बात गलत होना चाहिए। अरुण कुशवाहा का बी आ रहा है, धनराज का आंसर बी आ रहा है, और दीपक यादव का बी आ रहा है, सिवान सिंह का बी आ रहा है, मनोज कुमार का बी आ रहा है, तरुण तिवारी का बी आ रहा है, दीपक यादव का बी आ रहा है, और आलोक पांडे का बी आ रहा है, निशांत चौधरी का, चतुर्वेदी का बी आ रहा है, निशांत चतुर्वेदी का बी, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। रक्त समूह ओ और ए बी को सर्वदाता और सर्वग्रहता के नाम से जाना जाता है। चले गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रक्त वर्ग समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, बताएं क्या उत्तर है। निम्न में से किस रक्त वर्ग समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, प्रयास करें, जवाब दीजिए, इसका उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से किस रक्त वर्ग समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, जवाब देगा इसका उत्तर है। चलिए 15 का डी आ रहा है, 815 का ओ, ठीक है, नवीन चौधरी का ए बी, रविंद्र सिंह का 15 का डी, और सुचित्रा का आंसर सी आ रहा है, और रोहित वर्मा का ए आ रहा है, दीपक यादव का डी आ रहा है, रोहित सिंह का सी कंफर्म, जबकि डी इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ओ इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो और रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इस, 815 का डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना, लाइक और शेयर करते चलना, लाइक और शेयर करते चलना मेरे दोस्तों, लाइक और शेयर करते चलो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायु सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, भारतीय वायु सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, जवाब दें क्या उत्तर है, गौरव कुमार जवाब दें, विकास कुमार जवाब दें, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, राजा निमरौत का 8 अक्टूबर, अजीत कुशवाहा का सी आ रहा है, नवीन चौधरी का 8 अक्टूबर आ रहा है, दीपक यादव का सी आ रहा है, पूजा कुमारी का सी आ रहा है, अनुभव का आंसर सी आ रहा है, विनोद कुमार का 12 मार्च कह रहे हैं जो गलत हो गया, आदित्य गुप्ता का सी आ रहा है, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, 8 अक्टूबर इज द राइट आंसर, 8 अक्टूबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, 8 अक्टूबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 817, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया और एम राजेश्वर राव, जवाब देगा इसका उत्तर है, फटाफट जवाब देगा इसका उत्तर है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया, एम राजेश्वर राव, बताएं क्या उत्तर है 17 का, जवाब देगा इसका उत्तर है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, सोनू कुमार का 817 का डी, सोनू कुमार का 817 का डी, और काजल कुमारी का जी, अरुण कुशवाहा का बी, आरजू तोमर का डी, प्रिंस वर्मा का सी, सूरज विश्वास का डी, विकास कुमार का 8 अक्टूबर, प्रदीप कुमार का 17 का ए, अंजलि यादव का डी, चलिए गाइस डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ए बी सी यहाँ पे होना चाहिए, एम राजेश्वर राव इज द राइट आंसर, एम राजेश्वर राव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर गाइज, बहुत सही गाइज, 17 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है,
जापान, चीन, पाकिस्तान, भूटान, बताएगा इसका उत्तर है। यानी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर के एमओसी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? जापान, चीन, पाकिस्तान और भूटान, जवाब देगा इसका उत्तर है। अभय चौरासी का डी, संदीप का आंसर डी आ रहा है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। आलोक पांडे का ए, ज्योति शर्मा का डी, और सीएम का आंसर 18 का जापान, सोनू कुमार का 818 का पहला, जवाब दें क्या उत्तर है। संदीप कुमार का बी आ रहा है, आलोक पांडे का ए आ रहा है, चलेगा, जबकि आंसर इज द ए, इज द राइट आंसर, जापान इज द राइट आंसर। यानी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जापान के साथ समझौता किया, जिसमें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लेकर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु तो दोनों राष्ट्रों ने अभी हाल ही में समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? यानी यहां पे 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है आपसे, सोच समझ के जवाब दीजिए क्या उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2020, जेम्स पिबलस, मिशेल मेयर एंड डिडियर केवल लॉच, आर्थर अशकिन और गेरार्ड मोराउ और डोना स्ट्रिकलैंड, रेनर विस बैरिशी एंड किप एस थोरिन एंड रोजर पेनरॉस, राइनहार्ड गेंजेल एंड आंद्रे गेज, जवाब देगा इसका उत्तर है। चले, सीएम का आंसर 19वें का डी आ रहा है, क्या बात है। अंजलि यादव का डी आ रहा है, शिवान सिंह का डी आ रहा है, सब लोग होशियार हो गए आज तो, सब लोग होशियार हो गए हैं, बिल्कुल होशियार हो गए हैं, बिल्कुल होशियार हो गए हैं गाइस, बिल्कुल होशियार हो गए हैं। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अगर गाइस आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, यहां से डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, @Jeetu2003 एंड 2002, आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आपको इस पे अड्डा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोई सा भी बैच आ रहा हो, इस पे इंफॉर्मेशन जाएगी और साथ साथ में क्लास का मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा। चले गाइस, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? ये तो जवाब दे दो सही सही, जल्दी जल्दी सही जवाब दे दो गाइस, क्या उत्तर है, जल्दी से जवाब दे दो मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिएगा इस, क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? अच्छा, अंजलि आदम ने ट्रिक बनाया है, ठीक है, 820 पूछा जा रहा है, ज्योति शर्मा का ए आ रहा है, ज्योति शर्मा का ए, सौरभ चौधरी का 818 का डी बता रहे हैं, सौरभ चौधरी पीछे हैं आप, अब विकास कुमार का डी आ रहा है और साथ साथ में तेज नारायण का आंसर ए आ रहा है, स्वाति का आंसर ए आ रहा है, आलोक पांडे का ये आ रहा है, दीपक का आंसर ये आ रहा है और अंजलि यादव का ये आ रहा है, सबका आंसर ये आ रहा है, तो ठीक है गाइस, तो ए आ रहा है तो बिल्कुल सही, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही गाइस। गाइस आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिए, इससे आपको हमेशा बैच के इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, साथ साथ में नए नए बैचेस अड्डा पे आते रहते हैं तो हम आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो गाइस आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताएं, आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। गाइस आर आर बी एन टी पी सी का गाइस क्रैश कोर्स 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अगर आपने RRB NTPC का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे साथ ज्वाइन करिए, 19 अक्टूबर से बैच है, ₹540 में ये बैच मिल जाएगा आपको, सिर्फ ₹540 में बैच मिल जाएगा, और कोड है आपका Y242 यूजर कोड यूज करिए मेरे नाम से कोड यूज करिए Y242 और मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाइए गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली 540 रुपीज में, 540
रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, आरआरबी क्रैश कोर्स। इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए गाइस। 62% का डिस्काउंट राइट नाउ चल रहा है। अगर आप अड्डा पे कोई भी कंटेंट परचेस करते हो या कोई भी कोर्स लेते हो या कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो 62% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए कोड यूज करिए Y242 कोड का यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। कल रात आपसे मेरी मुलाकात, फिर से आप लोगों से मेरी मुलाकात कल रात 10 बजे होगी। 10 बजे यथा टाइम सभी लोग जरूर आए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।